महाराजा इस दुनिया में नहीं रहे, उनका उम्र ही वॉज ओनली 39 व्हेन ही पास्ड अवे। अगर वो थोड़ा दिन ज्यादा रहते तो उनके किताबों से, उनके आइडिया से एक बात तो मालूम पड़ रहा था, दैट महाराजा वीर विक्रम वॉन्टेड टू गिव अ लॉट मोर टू आर पीपल। कम उम्र में उनका देहांत हुआ, ही लिव वेरी, ही हैड अ वेरी शॉर्ट लाइफ, बट इन हिज टाइम उन्होंने तीन या चार चीज जो किया वो आज तक कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी होम मिनिस्टर नहीं कर पाया हिंदुस्तान में। सबसे पहले उन्होंने हमें 1939 एंड 1940-41 में गेजेट लैंड नोटिफिकेशन पास करके तीपरा साहब को जमीन का अधिकार दिया, लैंड रिजर्वेशन सिस्टम महाराजा ने दिया। वो बात अलग है कि 1960 और 1974 के टीएलआर एक्ट के बाद हमारा ही तिपरासा को भूमिहीन किया गया, लेकिन जमीन का अधिकार सबसे पहले महाराजा वीर विक्रम ने आज से 80 साल पहले हमको दे दिया था, कानून पास करके, आईन में कानून पास करके हमारे तिपरासा लोगों को जमीन का अधिकार दे दिया गया था। महाराजा ने समय देखकर एयरपोर्ट बनाया, महाराजा ने वो जो एयरपोर्ट आज जहां में हवाई जहाज लैंड करता है वो एयरपोर्ट अभी नहीं बना है, वो एयरपोर्ट आज से 80 साल पहले 84 years ago महाराजा ने बनाया। जीबी हॉस्पिटल महाराजा के टाइम कंसेप्चुलाइज हुआ। आज अगर हम लोग TTADC को समझ सकते हैं तो TTAADC जो आज ADC एरिया है वो उस एरिया से बना है जिसको महाराजा ने लैंडमार्क करके, यमार्क करके दिया था, क्योंकि उस समय महाराजा को मालूम पड़ चुका था, महाराजा वीर विक्रम को मालूम पड़ चुका था कि हिंदुस्तान में प्रॉब्लम होने वाला है, हिंदुस्तान का विभाजन होने वाला है, इंडिया वॉज गोइंग टू बी डिवाइडेड। और महाराजा जानता था कि हमारे तिपरासा के पास कुछ नहीं रहेगा अगर जमीन हमारे पास नहीं है, तो उन्होंने अपने तिपरासा लोगों को अधिकार दिया, उन्होंने खुद अपना संविधान बनाया। लेकिन हर परिवार में, हर जगह में कोई कोई लोग रहते हैं जो अपना सर्वनाश खुद करते हैं, और हमारे महाराजा के टाइम में भी महाराजा को कमजोर करने के लिए अपना ही तिपरासा लोग था, कुछ लोग जिन्होंने महाराजा को गिराने के लिए साजिश किया ईस्ट पाकिस्तान के साथ। आज वो लोग कुछ भी बोले लेकिन इतिहास में, कानून में और हिस्ट्री बुक्स में क्लियरली लिखा गया है कि महाराजा को हटाकर पाकिस्तान का राज हिंदुस्तान में, त्रिपुरा में कौन करना चाहता था। पार्टी बदलने से आपका इतिहास नहीं बदलेगा, लेकिन यह बात है, महाराजा ने अपने टाइम कुछ और किया। महाराजा ने अपने टाइम एक ऐसा कानून लाया जहां में भेदभाव नहीं हुआ। महाराजा ने हमारे यहां में इतना जो सिकली है, हम लोग का बच्चा लोग है, लड़की लोग है, आप जानता आज से 100 साल पहले महाराजा ने गर्ल स्टूडेंट्स के लिए स्कूल बस का इंतजाम किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर जब तक लड़की का शिक्षा नहीं होगा दोफा आगे नहीं बढ़ेगा। तो महाराजा ने 100 साल पहले, आज आप लोगों को ऑटो में पांव से हट के साइकिल में स्कूल जाना पड़ता है, महाराजा ने 100 साल पहले आप लोगों के लिए बस का इंतजाम बना किया था कि
कि आप लोग जब स्कूल में जाए तो आप लोगों का आराम से आप लोग को शिक्षा मिले, क्योंकि महाराजा समझ चुका था कि जब तक हम लोग औरत को नहीं उठाएंगे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। महाराजा ने दशरथ देव को कलकत्ता भेजा, जो मुख्यमंत्री बना, उनके पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए महाराजा ने दशरथ देव को कलकत्ता भेजा हायर एजुकेशन के लिए। वो बात अलग है कि बाद में शिक्षा लेकर दशरथ देव किसी और के हाथ में चला गया और वो महाराजा के खिलाफ हो गया, लेकिन शिक्षा महाराजा ने दिया, महाराजा के ट्रेजरी से आया और महाराजा ने दशरथ देव को चांस दिया कि एक अपना अच्छा कल करे। दशरथ देव तो महाराजा का कोई परिवार का नहीं था, तभी भी महाराजा ने किया, क्योंकि महाराजा चाहता था कि अपना कम्युनिटी उठे, हम कंपीट कर सके। लेकिन 75 साल में हमने क्या देखा है? जो सिस्टम महाराजा ने बनाया, जिसको चौधरी बनाया, जिसको ओकरा बनाया, जिसको हौदा बनाया, जिसको चांताई बनाया, जिसको कास्काओ बनाया, वो सबको हटाया गया। आज जिस महाराजा ने रविंद्रनाथ टैगोर को भारत भास्कर का एक सम्मान दिया, आज उस महाराजा को अगरतला में, ये अभी एयरपोर्ट में स्टैचू निकला, वरना एक चीज महाराजा के नाम में एक स्टैचू नहीं था कहीं पे। जिस महाराजा ने जगदीश चंद्र पॉल को विदेश भेजा, जीसी बोस को, और कहा कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि मैंने इनको सपोर्ट किया है। जिस महाराजा ने शांति निकेतन में हर साल पैसा भेजा, आज शांति निकेतन में महाराजा का कहीं भी नाम नहीं। आज यहां में हमारे एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, कोई प्रोग्राम में आपको बुलाते हैं, अगर आप 5,000 रुपया भी देता है ना, तो हम लोग बोलते हैं अनाउंसमेंट करो कि मंत्री ने 5,000 रुपया दिया, मिनिस्टर ने 10,000 रुपया दिया। महाराजा ने हर साल शांति निकेतन में पैसा दिया, लेकिन आज तक किसी ने अक्नॉलेज नहीं किया कि महाराजा ने क्या क्या काम किया था, क्योंकि हमारा सोच अलग था। आज आप हमारे लीडर्स को देख लो, कहीं में ये आदमी के नाम में पार्क है, इस आदमी के नाम में आपका रेलवे स्टेशन है, इस आदमी के नाम में आपका पारा का स्कूल है, किसी के नाम में स्टेडियम है, लेकिन त्रिपुरा में 185 राजाज ने राज किया, लेकिन एक रास्ता अपने नाम में नहीं बनाया, एक मूर्ति अपने नाम में नहीं किया, क्योंकि हमको लगता था कि हम अपना गुनगुनाए, अपना नाम क्यों खुद अनाउंस करें। दिस इज द तिपरासा वे ऑफ थिंकिंग। जब हम लोग किसी को हेल्प करते हैं तो क्रेडिट लेने में हमको शर्म लगता है, लेकिन आज अगर एक आदमी बाथरूम कहीं में बना दे मार्केट में, तो बोलेगा मेरा नाम होना चाहिए बाथरूम के ऊपर, बाथरूम के ऊपर भी आपको अपना नाम चाहिए। जौहर देव बाथरूम डोनेटेड बाय जौहर देव टॉयलेट, हमने तो पूरा शांति निकेतन किया। महाराजा लोग आज सब लोग बोलते हैं कि धर्म के नाम में बात होता है। महाराजा हिटलर से मिला, रूजवेल्ट से मिला, मुसोलिनी से मिला, उनके संबंध सबके साथ अच्छे थे। जगदीश चंद्र बोस से मिला, उनके महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखा महाराजा को, तो महाराजा ने रिप्लाई किया,
आज जब धर्म के नाम में हम लोग बात करते हैं तो महाराजा के टाइम यहां में अगर कोई मोग है और चाकमा है, महाराजा के टाइम वेणु विहार बुद्ध मंदिर बना, महाराजा ने जम्पुई हिल्स में डोकुमा साइलो का परिवार को जो क्रिश्चियंस थे उनको सम्मान दिया, उनको राजा का आदर दिया। महाराजा वीर विक्रम के टाइम में हफ्ते में दो बार नमाज पढ़ा जाता था उज्जैनता पैलेस में। तो जो महाराजा आज से इतने साल पहले सेक्युलर था, आगे था अपने टाइम से, आज हमको क्या हो चुका है? He did not discriminate on the basis of religion. He did not discriminate on the basis of identity. But it is very unfortunate. It is very unfortunate that today we have to fight for Maharaja to be acknowledged. Who has done this? Who tried to demonize the contribution of Maharaja? Today, when people say, Chief Minister are again? Is the Chief Minister coming? Yes. हमारे साथ हमारे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह जी आए हैं, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज। तो जब महाराजा वीर विक्रम ने इतना कंट्रीब्यूशन किया है, उसके बाद एक षड्यंत्र बताया गया, और यह षड्यंत्र किसने किया यह भी आपको समझना चाहिए। महाराजा के टाइम में त्रिपुरा में स्कूल की कमी नहीं थी, स्कूल किसने बंद किया? महाराजा के समय में, आज आप उस समय आपके पास जमीन था, जमीन किसने हटाया? आज भी यहां में अलग अलग पार्टी हो सकते हैं, यहां में बीजेपी हो सकता है, आईएनपीटी हो सकता है, आईपीएफटी हो सकता है, मोथा हो सकता है, कांग्रेस हो सकता है, कोई भी महाराजा के रोल को खराब नहीं बोलेगा, सिर्फ एक पार्टी, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि त्रिपुरा के लोगों को गरीब रखो और उनके खिलाफ दुर्प्रचार करो। 2018 तक, 2017 तक जब भी मैं कहीं जाता था तो वहां के उस समय के मुख्यमंत्री बोलते थे, महाराजा ने क्या किया, महाराजा ने अस्पताल क्यों नहीं बनाया? अस्पताल महाराजा ने बनाया, महाराजा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपने क्या किया? आप तो 25 साल तक मुख्यमंत्री थे, आपका सरकार था 35 साल 40 साल, आपने क्या किया? नहीं, तभी भी महाराजा के नाम में हमको और महाराजा को खराब नाम देकर अपना पॉलिटिक्स करते थे। दिस इज अ प्लानिंग, दिस इज द माइंड सेट that you blame people who are no longer alive, you blame people who are no longer alive to hide your own mistakes. Today, if I fail in delivering to my people, I can't blame Nipen Chakraborty, I can't blame Dashrath Dev, I have to admit we have not been able to deliver, but for someone to blame a man who is no longer alive, who passed away in 1947 before India was even born, and to criticize him for 60 years,
टू डिमोनाइज हिम, टू मेक हिम लुक लाइक अ विलन. व्हाट वॉज द नीड? एंड आई हैव सीन द हेट्रेड टुवर्ड्स अ फैमिली. मैंने देखा है मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ, मैंने देखा है मेरी मां के साथ क्या हुआ, मैंने देखा है मेरे साथ क्या हुआ. लेकिन आई बिलीव इन गॉड, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं. और आप झूठ बोलकर सत्य को पूरा जिंदगी नीचे नहीं रख सकते हो. यू कैन नॉट हाइड द ट्रूथ, द रियलिटी यू कैन नॉट हाइड. मैंने देखा है अगरतला एयरपोर्ट में मेरी मां वीर विक्रम का डॉटर इन लॉ, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर मिनिस्टर, उनको वीआईपी रूम से कैसे एक पीओ ने बोला गेट आउट 2015 में. मैंने देखा है. अगर आप कम्युनिस्ट के पार्टी के कोई कॉन्ट्रैक्टर होते तो वहां में आपको चाय दिया जाता, कॉफी दिया जाता है. लेकिन जिस एयरपोर्ट महाराजा ने खुद बनाया, उसके डॉटर इन लॉ को बोला यहां से हट जाए, यहां में आपका अलाउड नहीं. मैंने देखा है. दरकार था नहीं, लेकिन छोटे लोग छोटी चीजों से उनका दिल भर जाता है. आई एम ग्रेटफुल दैट व्हेन द न्यू गवर्नमेंट केम द फर्स्ट थिंग दे डिड वाज दे ऑनर्ड महाराजा वीर विक्रम बाय नेमिंग द एयरपोर्ट आफ्टर हिम. और जब ये हुआ, उस समय मैं कांग्रेस में था, तो सबने मुझसे पूछा आप कैसे थैंक यू बोल सकते हैं. हम बोला जब अच्छा काम होगा तो मैं थैंक यू बोलूंगा. तो अब क्या हो चुका है कि हमने हर चीज में भेदभाव कर दिया है. अगर आप महाराजा के बारे अच्छे बोलेंगे तो जितेंद्र चौधरी अच्छा आदमी नहीं है, जितेंद्र चौधरी सीपीएम है तो उनको महाराजा के खिलाफ बोलना पड़ेगा. हमने सब चीज को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया. अगर आप इस धर्म के हैं तो आप इनको खराब बोलेंगे, अगर आप उस धर्म के हैं तो आप इनको खराब बोलेंगे. आज सब चीज बटा जा रहा है. उस दिन जब मैं गया कहीं में, किसी ने कहा कि ये गेंदे का फूल है तो ये हिंदू होगा, और वो पत्ता का फूल है तो वो मुस्लिम होगा. बोला ये क्या बात है भाई, फूल फूल है, हम वी आर ऑल इंडियंस, वी हैव टू लिव टुगेदर. अब तो बकरा मुसलमान हो गया और गाय हिंदू हो गया, ऐसा नहीं चलता देश. वी हैव टू ऑल कम टुगेदर. और हमको सीखना चाहिए जो महाराजा ने किया. आज जो बांग्लादेश में हो रहा है दुख लगता है. महाराजा ने वहां में, महाराजा बीरचंद्र ने लाइब्रेरी बनाया वहां में. हमारे लोग हैं, हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, बंगाली हैं, ट्राइबल्स हैं, सब हैं. लेकिन धर्म के नाम में आप किसी को धर्म के नाम में किसी के ऊपर आप अन्याय करोगे? तो आप समझ सकते हैं कि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, यही चीज 46, 49, 56 में और हुआ था. उस समय सोशल मीडिया नहीं था. तो जो लोग बोलते हैं कि महाराज ने गलती किया, लोगों को आने दे, उस समय अगर नहीं देते तो सब मर जाते. एक देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी, दिल में एक हृदय होना चाहिए. हाउ कैन यू अलाउ पीपल टू बी मैसेकर्ड ऑन द नेम ऑफ रिलीजन? एंड टुडे द कंट्री, द इंडिया हैज टू ऑल्सो थिंक फॉर आवर ओन इंटरनल सिक्योरिटी.
जिस देश ने अपने शेख मुजीबुर रहमान के, हमने जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। पाकिस्तान में भी बहुत आंदोलन हुआ है लेकिन किसी ने जिन्ना का स्टैचू को तोड़ा नहीं पाकिस्तान। शेख मुजीबुर रहमान का आपने स्टैचू को तोड़ दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जिसने आपका राष्ट्रगान लिखा है उसके मुख पे आपने सेलोटेप लगा दिया, काला कर दिया। ये नफरत से क्या मिलेगा? इसको बोलते हैं विपरीत बुद्धि। और अगर हमको त्रिपुरा को आगे ले जाना है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज हियर, एमपी इज देयर, वी हैव द वाइस चांसलर, वी हैव द मिनिस्टर, सीएम साहब इज हियर, इफ वी हैव टू टेक त्रिपुरा अहेड, वी कैनॉट बी फाइटिंग विद ईच अदर, वी हैव टू फाइट टूगेदर टू टेक त्रिपुरा अहेड, वी कैनॉट बी फाइटिंग विद ईच अदर। द गोल शुड बी, यहां में जो बच्चे लोग हैं, मेरा लक्ष्य है हाउ टू मेक यू, हाउ टू गिव यू अ बेटर टुमारो। आपका मां बाप कष्ट करके आपको स्कूल भेजता है, यहां में आप लोगों का प्रॉब्लम है मैं जानता हूं, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमको भी एक कदम पीछे लेना पड़ेगा, किसी और को भी एक कदम पीछे लेना पड़ेगा और एक दूसरे को समझ के आगे जाना पड़ेगा। क्योंकि आज गरीब पूरा राज्य है और गरीब रखने के लिए हम आज जो गरीब हैं, इसको गरीब रखने के लिए ये सीपीएम पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि हम लोगों को आज गरीब रखा गया जबकि पूरा नॉर्थ ईस्ट बड़ा। सो आई वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मैं आपको एक अच्छा कल देना चाहता हूं, हम आपको एक अच्छा कल देना चाहते हैं। और कभी कभी हमसे भी गलती होता है, वी ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, वी आर ह्यूमंस, वी मेक मिस्टेक्स, बट आवर इंटेंशन इज नॉट टू कीप यू पुअर, आवर इंटेंशन इज टू एम्पावर यू, नॉट टू एक्सप्लॉइट यू। द प्रॉब्लम विद द अदर पीपल इज दैट दे वॉन्ट टू distract you, they want you on social media, they will say, अभी बंगाल में एक महिला के साथ एक बहुत खराब दुर्घटना हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता। कोई लिख रहा है सोशल मीडिया में वो इस पार्टी का है, वो उस पार्टी का है, वो इस धर्म का है, वो उस धर्म का है। नहीं, a criminal is a criminal. He does not, he or she does not have a party, he or she does not have a religion, he or she does not have a community. And we have to come out of this hatred. Nafrat se bahar nikalna padega. Aur agar hum, Tripura is a small state, 4 million people, 40 lakh log hai hum log. अगर हम लोग आप लोगों को अपने फील्ड में एक अच्छा कल दे सकते हैं, इट विल बी समथिंग दैट महाराजा वीर बिक्रम हैड थॉट लॉन्ग टाइम। मैं इनके बारे आज इतना बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, अब क्योंकि ये मेरे ग्रैंडफादर हैं, नहीं मैंने इनको आज तक मेरे जिंदगी में इनको देखा नहीं, मैंने अपने पिताजी को देखा, महाराजा किरीट विक्रम, मुख्यमंत्री जी ऑल्सो न्यू महाराजा किरीट विक्रम। उन्होंने 1959 में जीबी हॉस्पिटल के लिए 100 कानी जमीन दिया, 100 कानी जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए फ्री में। आज तो लोग एक इंच जमीन का बंटवारा के लिए फाइट करते हैं, महाराजा ने, मेरे पिताजी ने 100 कानी जमीन दिया जीबी हॉस्पिटल के लिए। रिटर्न में महाराजा ने बोला था कि एक वार्ड महाराजा के नाम में होना चाहिए और सामने में महाराजा का फोटो,
था फोटो, वार्ड भी महाराजा के नाम में था, लेकिन एक दिन जो पहले के सीएम थे उनको लगा नहीं करना चाहिए महाराजा के नाम में, फोटो हटाओ, महाराजा का नाम हटाओ। उस आदमी ने अपना जमीन आपको फ्री में दिया, आप एक फोटो और एक वार्ड का नाम नहीं रख सकते। उससे महाराजा छोटा नहीं हुआ, उससे वो लोग छोटे हुए। और बिकॉज ऑफ दैट इनजस्टिस डन टू अ लेट किंग्स हु आर पीपल हु नेवर डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन बंगालीज एंड ट्राइबल्स, हु नेवर लुक्ड एट रिलीजन, हु सपोर्टेड, आज कवि गुरु को सपोर्ट करने वाला महाराजा था, तीन तीन महाराजा ने सपोर्ट किया, लेकिन जिन लोगों ने उनको दबाया, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं महाराजा वीर विक्रम के जन्मदिन के एग्जीबिशन के समय कि उन लोगों को मैं उठने कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने महाराजा के नाम में हमारा थानसा को तोड़ा, महाराजा के नाम में हमको आपसे दूर रखा, महाराजा के नाम को खराब करके हमको एक दूसरे से अलग रखा। और जो लोग हम लोगों को अलग रखेंगे ना, मैं उनको टॉलरेट नहीं कर सकता। वी आर वन एंड आई वॉन्ट टू थैंक द इंटैक्ट। आई नो दैट यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ पेन। यहां में प्रज्ञा कुमारी है, इनको मैंने जबरदस्ती पॉलिटिक्स में लाया, इनको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, दिल की बहुत अच्छी है, हमेशा अपना लोगों के बारे कुछ करने के बारे सोचती है, और मैं चाहता हूं कि ये बदले भी नहीं, क्योंकि जिंदगी में आप बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हैं विदाउट कमिंग इनटू पॉलिटिक्स। आपका सोच और आपका दिल सफा होना चाहिए। मेरे बहन यहां में, आई थिंक आई डोंट से दिस ऑफन बट आई विल टेल यू, यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन you stood with my father, with our father when he was unwell. You sacrificed the most. You have also gone through a lot of personal turmoil. But I've seen that you have been resilient. You are simple. But that simplicity is a strength. So don't allow that simplicity to ever go away. Not because I am Bubagra, but as a younger brother, I appreciate and I don't say that enough, but you are someone I have a deepest respect for, and even Mani Vaishya. To our Honorable Mukhyamantri Ji, inko itne last, he has just come because he respects the Maharaja. He has told me this many times. And I also request the Mukhyamantri Ji ki aap खुमलुंग TTADC और आइए, मैं आपको यहां में अपने हाथों से भांगुई खिलाना चाहता हूं। आप त्रिपुरा के सीएम हैं, ये भी त्रिपुरा है, ये आप ही का है। आप यहां में आइए, और कहीं में अगर इतना जो जहर फैलाया गया है मुख्यमंत्री जी, जहर को हटाने के लिए समय लगेगा, और उसके लिए मैं तीन कदम आगे बढ़ने के लिए और तैयार, लेकिन मैं चाहता हूं कि त्रिपुरा में उन्नति हो, हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, हमारा नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़े और हमारा स्टेट आगे बढ़े, और हम दोनों जाकर दिल्ली में बोले कि नॉर्थ ईस्ट में नंबर वन स्टेट त्रिपुरा है। और ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन वी कैन, we have to forget to learn, sometimes you have to unlearn to learn, sometimes you have to let go to gain something. And I think that in India, our spirituality, we are a very spiritual country. This is the land of Buddha. This is the land where we have had the wisest people walk this earth, Swami Vivekananda. We've had such great thinkers, Mahatma Gandhi. And they have only taught us, let go of hatred, let go of anger,
एंड डोंट अलाउ पीपल टू डिवाइड यू बिकॉज व्हेन वी आर डिवाइडेड वी आर वीक व्हेन वी आर टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर सो By saying all this to the Honorable Chief Minister, I'm sure he has to say a lot more than me. I would like to end my talk once again to the TTAADC, C.K. Jamatiyam ji. Aapne ye organize kiya with Intact. I want to thank you. CM Saab, thank you very much. Honorable MPG, thank you for coming. I respect.